दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कोहिनूर हीरा कहाँ है? शायद नहीं मालूम होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इंसान कितने आराम से कोहिनूर हीरा निकाल रहा है। और क्या आपको मालूम है क्या खास बात होती है कोहिनूर हीरे में? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मालूम होगा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कोहिनूर हीरा की खूनी इतिहास की कहानी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों दुनिया के सारे हीरों की चमक एक तरफ और कोहिनूर के हीरे की चमक एक तरफ, जो है भारत की अमानत, लेकर ब्रिटेन की महारानी ने बड़ी बेशर्मी। आज भले ही कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों के पास है, लेकिन इस हीरे ने बहुत से शासक और मालिक देखे हैं। देवी के मंदिर से चुराए गए इस हीरे ने बहुत सी चीजें देखी है, और कहा जाता है इस हीरे पर उसी देवी का श्राप है जिसने कई बड़े बड़े साम्राज्यों को तबाह कर दिया। तो क्या वाकई में दुनिया का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा शापित है? क्या इसकी वजह से राजाओं की मौत हो जाती थी? इन सभी चीजों की पूरी सच्चाई आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले अगर कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में बात करें, तो कहा जाता है 14वीं शताब्दी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण भारत से चुराया था। उस वक्त ये हीरा एक मंदिर में देवी की आंखों में लगा हुआ था, और जब से इस हीरे को चुराया गया तब से जो कोई भी इसके नजदीक गया उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि खिलजी के बाद ये हीरा बाबर को दिल्ली फतह करने पर तोहफे के रूप में भेंट किया गया, जिसकी वजह से ये मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां ने कोहिनूर के इस हीरो को अपने तख्ते ताउस का हिस्सा बनाया, और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने हीरे को अपने नाम कर लिया। इस दौरान हीरे को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने ऑटोन्स बोर्गिया को बुलवाया ताकि वो हीरे को इस तरह से काट सके जिससे वो और ज्यादा चमकदार हो जाए। पर दोस्तों बोर्गिया ने 793 कैरेट के हीरे को इस तरह से काटा कि उसका वजन केवल 186 कैरेट रह गया। कहा जाता है कि देख औरंगजेब इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने बोर्गिया को इस काम के पैसे देने से मना कर दिया, और ऊपर से उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। पर दोस्तों 186 कैरेट का यह हीरा अभी भी नायाब था, और आने वाले कई सालों तक इसने मुगलों की शान बढ़ाई। पर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ, और नादिर शाह ने दिल्ली पर आतंक मचा के रख दिया। कहते हैं उस वक्त के शासक ने नादिर शाह से गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने के लिए कहा था, और तब नादिर शाह ने सुल्तान से बदले में 100 करोड़ रुपए मांगे थे। अब एक ही झटके में मुगलों द्वारा जुटाई गई सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई थी। दोस्तों इस लूट को भारत से ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन उसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया, जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते के पास पहुंचा, जिसने कोहिनूर को अफगान एम्पायर की स्थापना करने वाले अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। लेकिन हीरा मिलने के बाद अफगानिस्तान पर रशियन एम्पायर का हमला हुआ, और अहमद शाह दुर्रानी के पोते सुजा शाह दुर्रानी उसमें हार गए, पर वो हीरा लेकर लाहौर भाग गए, जहां उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। रणजीत सिंह की दी गई मदद को देखकर दुर्रानी ने यह हीरा रणजीत सिंह को तोहफे के तौर पर दे दिया, और रणजीत सिंह ने हीरे के बदले में दुर्रानी को 1,25,000 रुपए भेंट कर दिए, और इस तरह भारत का हीरा फिर से भारत में आ गया। रणजीत सिंह को हमेशा ये डर सताया करता था कि कोहिनूर को कोई भी चुरा सकता है, इसलिए वो हीरे को गोविंद नगर के किले में छुपा कर रखते थे, और सिर्फ तभी पहनते थे जब कोई पब्लिक फंक्शन वगैरह होता था। कहा जाता है इस हीरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रणजीत सिंह इस बात का खास ख्याल रखते थे कि रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। और फिर 1839 में रणजीत सिंह का अंतिम समय करीब आया, और मरते वक्त उन्होंने अपना ये हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दिया। लेकिन फिर रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके अध्यक्ष बेली राम ने ये हीरा मंदिर को देने से मना कर दिया और अपने संदूक में छुपा लिया। लेकिन रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य पर एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ गई। पहले तो पंजाब को कश्मीर से अलग कर दिया गया, और फिर जब अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया तो उन्होंने पंजाब को अपने कब्जे में लेकर हीरा अपने पास रख लिया, और फिर यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरे को लंदन रवाना कर दिया। लेकिन लंदन जाते ही हीरे के श्राप का प्रकोप फिर सामने आ गया, क्योंकि जिस जहाज में हीरे को ले जाया जा रहा था उसमें महामारी फैल गई,
और सभी लोग बीमार हो गए। जहाज के कप्तान ने लोगों को हौसला दिया कि किसी तरह लोग धीरज रखें, मॉरिशस जाकर सब लोग आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही मॉरिशस में इस ब्रिटिश शिप में फैली महामारी की बात पता चली तो उन्होंने इस जहाज को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। ये धमकी भी दी कि अगर वो फिर भी शिप मॉरिशस के आसपास दिखती है तो उसे उड़ा दिया जाएगा, जिस वजह से सिपाहियों के पास कोई भी चारा नहीं था और पहले से बीमार सिपाहियों को तूफान का कहर भी झेलना पड़ा। और किसी तरह वो लोग ब्रिटेन पहुंचे, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही महारानी विक्टोरिया पर हमला हो गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले घोड़े से गिर गए और फिर घोड़ा उनके ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जब इस हीरे को लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया तो लोगों ने शिकायत की कि हीरे की चमक अच्छी नहीं है, जिसके बाद महारानी ने दोबारा से हीरे को काटने का हुक्म दिया और फिर दूसरी बार ये हीरा काटा गया, जिसके बाद इस हीरे का वजन घटकर 105 कैरेट हो चुका था। हीरा कटवाने के बावजूद महारानी ने उसे काफी वक्त तक नहीं पहना, क्योंकि हीरे को देखकर उन्हें बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। हालांकि इस हीरे को ब्रिटिश के राजाओं ने पहनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस हीरे का इतिहास देखकर ये समझ में आ गया था कि ये हीरा शापित है। इसकी वजह से जब भी कोई राजा इस हीरे को अपने पास रखने की कोशिश करता है, उसका पूरा का पूरा साम्राज्य बिखर कर रह जाता है। इसलिए इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी को ही सौंप दिया गया, जहां साल दर साल ब्रिटेन की महारानी इसे पहनती रही और आज भी ये हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास मौजूद। हालांकि कोहिनूर के ऊपर भारत ने बहुत बार अपना हक जमाने की कोशिश की और इसे वापस लाने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन अभी तक ये हीरा ब्रिटिशर्स की शान बना हुआ है। अब आप कोहिनूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।